Sure, sure. So basically, this is the first time in the world जो ऐप हम ला रहे हैं इसमें फर्स्ट टाइम वेबिनार विद एक्सपर्ट गाइडेंस ये मेन फीचर है और साथ में वेबिनार विद द सेलिब्रिटीज ऑल्सो देर इज ऑप्शन. सो आज एक ऐसा माहौल चल रहा है जब हमें डॉक्टर CA एडवोकेट या कोई भी सर्विस प्रोफेशनल की जरूर है तो हमें इस महामारी के समय में या किसी भी समय पर हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है. आप सीधा हमारे ऐप में जाके अपनी चॉइस के बजट के हिसाब से आप सर्विस प्रोफेशनल को सिलेक्ट करके आप डायरेक्ट उनसे वेबिनार कर सकते हैं. ये वेबिनार में आप एक से लेकर 50 तक लोग जुड़ सकते हैं, चाहे वो समझ लीजिए कोई फैमिली की कोई इश्यू चल रही है और उन्हें कोई लॉयर की ज़रूरत है या फैमिली काउंसलर की ज़रूरत है तो वो डायरेक्ट उसे कनेक्ट कर सकता है. और इसमें दो तरह के वेबिनार है, एक फैमिली वेबिनार है, एक कॉरपोरेट वेबिनार है. तो एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ एक फाइंड अ मीटिंग प्लेस है. जैसे हम कहीं भी जाते हैं और हमें कहीं भी किसी को मिलना है और एक बेहतरीन जगह चाहिए जिसमें हम एक अच्छे से मीटिंग कर सके प्राइवेसी के साथ, तो ये ऐप जो है आपके लोकेशन पर मीटिंग रूम आपको प्रदान करता है जिसके तहत आप वहाँ पे मीटिंग भी कर सकते हैं. उसमें अगर आपको किसी को ऐड करना है जैसे कि डॉक्टर को या सॉरी एडवोकेट को या पर्सनल सेक्रेटरी को ऐड करना है फॉर मेकिंग ऑफ द मिनट्स बनाने के लिए तो आप उन्हें ऐड भी कर सकते हो. इसी ऐप में तीसरा फीचर है फाइंड अ पार्टी प्लेस. तो ये कोविड के टाइम में तो ये मुमकिन नहीं है पर आने वाले एक दो महीने के बाद जब सब बेहतर सिचुएशन होने के बाद कहीं भी किसी को भी अगर समझ लीजिए 20 जन की पार्टी भी करनी हो तो आपके लोकेशन के हिसाब से आप आसानी से बैंक्वेट रूम ढूंढ सकते हैं. उसी में आप DJ को ऐड कर सकते हो, इसी में आप कोई भी सिंगर को ऐड कर सकते हो और अपनी पार्टी को और बेहतरीन कर सकते हो. तो ये ऐप आपको एक आज़ादी देता है, ये ऐप आपको एक आज़ादी देता है जिसके तहत आप कहीं भी वेबिनार, मीटिंग रूम या पार्टी रूम आप अपनी अरेंज कर सकते हो. तो एक अलग ही इन्वेंशन आप कह सकते हो जिसमें कई लोगों की मेहनत जुड़ी हुई है और बहुत कम समय में हमने इसको एग्जीक्यूट किया हुआ है. आउटडोर मीडिया में नंबर वन हूँ और बॉम्बे में 40 साल से हमारी एडवर्टाइजिंग कंपनी है ब्राइट आउटडोर. तो आजकल डिजिटल का जमाना है और रितन भाई ने मुझे बताया कि ऐसे एक नया अपन ऐप लॉन्च करें तो मेरे को बहुत आइडिया अच्छा लगा और मैं तुरंत 1 ही सेकंड में उनको हाँ बोला. और ये एक नया इनोवेशन है, नई आइडिया है. आजकल लोग हर एक आदमी वेबिनार में ऑनलाइन में बात करता है. ये ऐप आई थिंक भगवान करे और बहुत सुपर सक्सेस होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम इन इंडिया हो रहा है. और हमारे साथ में रितन भाई, उनकी टीम, मेरी टीम प्लस पंकज भाई जो GTV में और वायाकॉम में सभी बड़े में बड़े शो करते हैं तो सेलिब्रिटी के साथ इनका भी ऐसा अच्छा एसोसिएशन है. तो पंकज भाई थोड़ा बताइए, पंकज जी थोड़ा सा बताइए मीटिंग ऐप हमें क्या देखने को मिलेगा. जी, चूँकि 20 साल से मैं ऑलमोस्ट ऑल जितने भी रियलिटी शोज़ हैं उनके टैलेंट को देखता हूँ तो सारे सेलिब्रिटीज़ से अच्छा रिश्ता है. लेकिन लॉकडाउन में एक चीज़ देखी कि लोगों के पास कंटेंट नहीं था देखने के लिए, लोगों ने सारी वेब सीरीज़ ख़त्म कर दी, लोगों ने सब कुछ TV पे देख लिया, सब रिपीट टेलीकास्ट था और ऐसा लग रहा था कि अब किससे बात करें. तो एक आइडिया जब हितेन भाई और योगेश भाई ने बोला तो हमने बोला इसमें एक ऐप एक साथ में फीचर करते हैं सेलिब्रिटीज़ का. होता ही है कि जैसे एक सिंगर है, सिंगर को लगता है मैं सिर्फ सिंगिंग ही कर सकता हूँ, उसका कब शो होगा, लॉकडाउन के बाद शो होगा, अब क्या पता नहीं 1,500 लोगों की गैदरिंग होगी नहीं होगी. तो एक सिंगर सिंगिंग के अलावा भी बहुत कुछ कर सकता है. तो सेलिब्रिटी जो शूटिंग करते हैं डेली शो पे शूट करते हैं 25 दिन तक अपना शोज देखते हैं तो क्या करें आखिर. तो अच्छा, और जो देश में क्या पूरी दुनिया में लोग हैं जो अपने जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो पीछे बिहाइंड द सीन क्या करते हैं उनसे बात करना चाहते हैं तो हम लोगों ने एक ऐसा ऐप में फीचर डाला कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं हम जिस ऐप पे जाएंगे ऐप पे सेलिब्रिटी हमारे साथ रहेंगे और सेलिब्रिटी को सा आपने टाइम शेड्यूल भेजना है, सेलिब्रिटी उसे ऑन करेंगे और सेलिब्रिटी इसी ऐप पे माई मीटिंग ऐप पे ही फीचर है. आपको इसके लिए जूम या गूगल डुओ पे जाने की ज़रूरत नहीं, सेलिब्रिटी ऐप उसी के साथ आप उनसे बातचीत कर सकते हैं.
आज की शाम में 25 सेलिब्रिटी आ रहे हैं, पंकज भाई लिस्ट पढ़ते हैं। लिस्ट तो अभी जब आएंगे, इसको थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं। अरबाज खान से लेके काफी सारे, मतलब बिकॉज ऑफ कोरोना कोविड की वजह से बड़े बड़े स्टार नहीं आ सकते, वरना मेरे आपको जानते हैं मेरी पार्टी में शाहरुख भाई, ऋतिक रोशन, अरविंद सिंह, अरविंद कपूर सब आते हैं, सबने मुझे मिस किया है, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना और क्राउड को अवॉइड करने की वजह से थोड़ा सा। और कम से कम 40 सेलिब्रिटीज़ हैं अभी, चूंकि डेली शो पे और 9 बजे से 9 शूट रहता है, उसके बाद जब वो निकलते हैं तब तक 11 बज जाते हैं, और चूंकि हमारे पास 10 बजे तक का ही टाइम है, लेकिन बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने बाइट्स भी दी हैं जो आपको देखने को मिलेगी, और बहुत ही एक्सक्लूसिव बाइट्स और एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट हैं। उसके अलावा सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, करीब 40 ने हाँ बोला है, तो वो अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। थैंक यू। चाय नाश्ता डिनर सब करना है। हाँ सर, कुछ करना था। माय मीटिंग ऐप ये एक ऐसा ऐप है जो कि हम सभी को जोड़ेगा, तो क्या चाहेंगे ऐप के बारे में? ये बहुत अच्छी बात है, ये अभी वक्त की मांग है, जो पंकज और मिलके योगेश जी मिलके कर रहे हैं। और मीटिंग ऐप है जो आपको घर बैठे कनेक्ट कर सकते हैं, और आपकी जो जो भी आपने सीखना है या मीटिंग करनी है वो आपके घर में बैठे हुए आप आराम से कर सकते हैं इस ऐप में जाके। इसके लिए जूम वूम की बहुत कोई आवश्यकता है नहीं, और ये वक्त की मांग है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग एक बटन के ऊपर अवेलेबल होंगे, जिसने जो सीखना है, जो भी बात करनी है, मीटिंग करनी है, वो आराम से हो सकती है। इंटरनेट का ज़माना है, जैसे ही पंकज जी ने बताया मुझे कि इस किस्म का एक ऐप जो है वो ये लॉन्च कर रहे हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि हम भी एक म्यूज़िक एकेडमी चलाते हैं, और हमें पता है कि आज की तारीख में लोगों तक पहुंचना और लोगों को हमारे तक पहुंचने का जो ज़रिया है वो सबसे बेहतरीन बनाने की जो कोशिश है वो पंकज जी ने की, और ये बहुत ज़रूरी है, जैसे सुरेश जी ने कहा आज की मांग है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ये नया जो मीटिंग ऐप है, इसका जो अनुभव है, मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्द से जल्द हम इसमें कनेक्ट कर पाएं। भी रजिस्टर हो सकते हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए खुला है ये, और इजीली पॉसिबल होगा ये। ऑल ओवर द वर्ल्ड से अभी लोग जो हैं वो कनेक्ट करना चाहते हैं आर्टिस्ट से, कलाकारों से, बिकॉज उतने प्रोग्राम्स नहीं देख पा रहे हैं लोग, और उतने साधन नहीं हैं, तो ये बढ़िया सा साधन हो गया कि आर्टिस्ट के साथ या म्यूज़िक एकेडमीज़ के साथ हो, जिस भी संस्था के साथ हो, जुड़ने का। और सोशल डिस्टेंसिंग का एक और एक इसमें बहुत ही अच्छा, क्या कहते हैं ना, कि फ़ायदा होगा लोगों को, क्योंकि फिजिकली आप होंगे नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ हमारे मेरे छोटे भाई हैं पंकज बगरेचा जी और योगेश लाखानी जी भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बस सर, इसमें एक बड़ी अच्छी बात क्या है कि सपोज करिए मुझे सुरेश जी से मिलना है, तो पहले मैं जूम आईडी क्रिएट करूंगा, फिर सुरेश जी को फिर से एक फ़ोन करूंगा, फिर जूम आईडी दूंगा, फिर पासवर्ड दूंगा, फिर टाइम बोलूंगा, तो वो जो 10 बार फ़ोन करना, किसी आर्टिस्ट को तकलीफ़ देना, कुछ नहीं। आपने ऐप शुरू किया, ऐप में क्लिक किया, अपने आप आर्टिस्ट के पास टाइम जाएगा, टाइम स्लॉट जाएगा, बुक हुआ, जिस दिन आपका टाइम है उस दिन ऑटोमेटिक बैकएंड पे कनेक्ट हो जाएंगे। इसमें एक और चीज़ है, सपोज करिए कि सुरेश जी 2 महीने के लिए अमेरिका गए, तो 2 महीने के लिए बंद कर दिया, तो वो 2 महीना आपको यूज़र को दिखेगा ही नहीं, तो वो भी है। बहुत अच्छा सब कुछ सोच लिया आपने। और थैंक यू आप आए। यस सूरज जी, दिवाली आ रही है, दिवाली के लिए शुभकामनाएं देना चाहेंगे सारे दर्शकों को सुरेश वाडकर की तरफ से, और मेरी धर्मपत्नी पद्मा की तरफ से, और आजीवासन की तरफ से दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। ये
और शुभकामनाएं, और ये आने वाला साल कोरोना मुक्त हो और हम लोग सब आनंद और सुख में रहें, यही माता लक्ष्मी के चरणों में और भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। थैंक यू दिवाली। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। आप यहाँ पर सर आए, माय मीटिंग है आपका शेड्यूल जी। जी सबसे पहले मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और इस ऐप के लिए जो आप लोग कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। ये माय मीटिंग ऐप जो मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा ऐप है, जो आज कल कोविड की वजह से जो सिचुएशन चल रही है उसमें आई थिंक दिस ऐप विल वर्क लाइक अ बॉम्ब। सबके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे जूम है, जूम के साथ भी चीज़ें होती है और ये पैरेलली बहुत अच्छा काम करने की पूरी उम्मीद है और हमारा पूरा सपोर्ट है। मैं भी स्वच्छ भारत अभियान का महाराष्ट्र का कन्वेनर हूँ और हम चाहते हैं कि मोदी जी ने जो कार्यक्रम शुरू किए हैं और जो सपोर्ट दे रहे हैं कोविड से मुकाबला करने के लिए और उससे बाहर निकलने के लिए, उसमें इस तरह की जो मीटिंग्स वगैरह इफ़ेक्ट हो गई है, इससे ये मीटिंग्स का कामयाबी से होना बहुत पॉसिबल होगा। हम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फ़ोन करके आप मीटिंग और ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दिस एप्लीकेशन विल वर्क विद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि क्या है कोरोना में बहुत सारे प्रोग्राम बनते हैं और एक दिन पहले कैंसिल हो जाते हैं लाइव शोज़। अभी परसों ये हिमांशु झुंझुनवाला ने मुझे एक शो दिया था, अब हुआ ये कि एक दिन पहले कैंसिल हो गया। मैंने कहा भाई क्या हुआ, बोले जो आयोजक है उसको कोरोना हो गया। मैंने कहा भाई उसको हो गया होगा, बाकी लोगों का शो तो करवा सकते हैं, उसको बोलो घर पर आराम करें। बोले उसकी तीन शर्तें हैं, पहली शर्त ये कि पेमेंट अपने हाथ से दूंगा, दूसरी शर्त ये है इतने अच्छे आर्टिस्ट को गले लगाऊंगा, और तीसरी शर्ट अपनी तरफ से थैंक्स का लेटर दूंगा। मैंने कहा भाई वो थैंक्स का लेटर नहीं होगा, मेरे लिए वेंटिलेटर होगा। मैंने कहा यार उसको तुम भगाओ, उसको तुम अपने साथ खड़ा मत करो। बोले वही हमारे प्रोग्राम का स्पॉन्सर है। मैंने कहा क्या कंपनी है उसकी, बोले प्लाज्मा की। तो ऐसे एक से बढ़कर मुसीबतें आती। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन जो अभी ट्रेंड शुरू हुआ है कोरोना का काल में, अच्छा बुरा जो भी हुआ होगा, बहुत हो चुका दुनिया में तेरा रोना धोना, चाइनीज वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना, गो कोरोना गो बैक कोरोना। तो हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना जल्दी जल्दी चली जाए। लेकिन ऑनलाइन का जो सिलसिला शुरू हुआ, वर्चुअल का जो शो शुरू हुआ, वर्चुअल शो शुरू हुए, उसमें ये ऐप जो नया लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है मीटिंग, माय मीटिंग, तो ये मुझे लगता है कि ये मेरी मीटिंग है, ये मेरे लिए बन रहा है। हर कलाकार के लिए उपयुक्त है माय मीटिंग ऐप, और ये इसमें ये ऐप नहीं, ये सबके लिए ऐप है। मतलब मुझे लगता है सबके लिए फिट है, फिट एंड फाइन। सो ऑल द बेस्ट, टेक रेस्ट, मिलते हैं अंधेरी बेस्ट। ठीक है सुनील जी, बिग बॉस कितना देख रहे हैं? क्या चाहिए तेरे का, क्या चाहिए? बिग बॉस देख रहे कि नहीं आप देख रहे हो? बिग बॉस कौन है आपके फेवरेट कंटेस्टेंट? इस बार तो काफ़ी यूथ आया, क्योंकि बिग बॉस 14 है तो ये 14 ही है, तो तीन लोगों के लिए 14 ही है। बिग बॉस 14 जो है वो चल रहा है, जिसमें राहुल वैद्य भी मेरा फेवरेट है, क्योंकि बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा गुड लुकिंग है। जान कुमार शानू ज़रा पंगे ले रहे हैं, लेकिन सभी का एक साथ में, और जान इनका इनकी जान है, एक्सक्लूसिव है। तो मुझे लगता है कि बिग बॉस तो एक शो है, इसको एंटरटेनमेंट के हिसाब से लो, बाकी तो आपको पता ही है सारे पैदल। जान और राहुल के बीच में काफ़ी विवाद हुआ
ज्यादा नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया, आप क्या कहना चाहेंगे? नेपोटिज्म अगर सही चीज के लिए है तो होना ही चाहिए। आइए सर पंकज जी, नेपोटिज्म अगर सही चीज के लिए है तो होना चाहिए। जैसे आर डी बर्मन एस डी बर्मन के बेटे हैं तो मैं ऐसा नेपोटिज्म सलाम करता हूँ। हाँ, ग्रुपिज्म को मैं सलाम नहीं करता, ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए। बाकी नेपोटिज्म अगर एक बाप अपने बेटे के लिए, एक भाई अपने भाई के लिए कर रहा है तो अच्छी बात है। राहुल गांधी का केस कैसा देख रहे हैं आप? उनके साथ भी काफी झगड़ा हुआ जानवी के साथ, आप क्या कह रहे हैं? वैद्य को देख के मुझे एक ही बात कहना चाहूंगा, वैद्य हकीम खतरा है जान, खतरा है जान, वैद्य हकीम खतरा है जान। तो वैद्य और जान को समझ लीजिए, जोड़ लीजिए। और मेरे साथ में कल्याणी जैन वाला मेरा दोस्त आ चुका है। क्या बात है, महफिल छाई हुई और अभी महफिल के लिए हम तो अग्रसर हो रहे हैं। चलो धन्यवाद और एंजॉय। कोविड में जिन्होंने बिना एक रुपए लिए, और पूरे मुंबई में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल उनके हेड हैं, वो हमारे बीच में हैं। प्लीज अपनी आ रही है, हटा दूं? चलिए ठीक है, पहली बार निकाल रहा हूँ मास्क वैसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, माय मीटिंग ऐप आ चुका है, बहुत सारे ऐप हमने देखा कि मीटिंग के लिए और जी 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 नहीं, बिल्कुल जैसे ही कहते हैं कि न्यू नॉर्मल है और आजकल लोग कई बार जो काम हम ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं, बहुत वक्त बच जाता है कि आप जब तक कहीं पहुंचते हैं फिर अपनी फॉर्मेलिटीज होती है, हाय हेलो, यहाँ सीधा हम लोग यू नो माय मीटिंग जो ऐप है इसमें ना सिर्फ हम लोग मीटिंग कर सकते हैं, साथ साथ जो पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे अगर आपका कोई सवाल है, कोई आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो देर आर डिफरेंट वेज दैट वन कैन एक्चुअली यूज़ दिस ऐप। इसमें इंफोटेनमेंट है, इसमें नॉलेज आपको मिल सकता है, कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं। तो और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ मतलब बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो इंटरनेशनल ऐप्स हैं जिनकी हम लाइसेंसेस लिए हैं, बट दिस इज़ बिन डेवलप्ड ओनली इन इंडिया इटसेल्फ, तो वी शुड सपोर्ट हमारी जो अपनी चीज़ है। और साथ साथ मैं तो ख़ास इसलिए भी हूँ कि पंकज बगरेचा जी जो मेरे बहुत बहुत पुराने मित्र हैं यहाँ मौजूद भी है, और हमारे योगेश जी हमारे ब्राइट एंटरटेनमेंट के साथ बहुत बहुत प्रोजेक्ट साथ में किए हैं, तो जब हमारे लोग कुछ करें तो उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसी वजह से आज यहाँ हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माय मीटिंग ऐप। शान, आप लोग बहुत बड़े बड़े शोज करते हैं लेकिन अभी वो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से और जो सिचुएशन है उसकी वजह से पॉसिबल नहीं है, तो आपको लगता है कि माय मीटिंग ऐप में आप लोग एक शो भी ऐसा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े आपके? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे इसमें मतलब रेडी प्रोग्राम्स हैं जहाँ लोग ये कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर कि ऐसा भी कुछ आगे होगा, लेकिन आई हैव टू गेट टू नो मोर डिटेल्स। अब अंदर जाऊंगा तो और जब प्रेजेंटेशन होगी इसके बारे में और पता चलेगा, लेकिन हमेशा हमें कुछ ना कुछ एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, ये सोचकर चलना है, पॉजिटिव रहना है, माइंड सेट को पॉजिटिव रखना है, और जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आए उसका पूरा हमें भरपूर समझ और फ़ायदा उठाना है, ताकि आने वाले पल में जो भी नए चेंजेस हैं उसके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। अब मैं कदम से कदम मिलाकर उस तरफ चलूंगा। जी 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 जी, इस बार खास इसलिए फॉलो कर रहा हूँ कि जो मेरे दोनों बहुत ही प्यारे दोस्त दोनों हैं वहाँ, जान भी है, और इनफैक्ट अभी से अभी मैं जल्दी यहाँ मिलके फिर मैं जा रहा हूँ शानुदा के घर। शानुदा खास बिरयानी बनाए तो बोले आओ बिरयानी खाओ, मैंने बनाया, क्योंकि शानुदा अभी एकदम फिट है ना, तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। He's got his negative certificate. और योगेश जी भी यहाँ मौजूद है, क्या बात है योगेश जी, congratulations on the app. और जैसे कि आपने कहा राहुल और शान, जान जान दोनों ही काफी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन यह बात अलग हो गई इधर। मैंने अपना ये ऐप के बारे में चले गए, क्वेश्चन ऐप के बारे में रखो भाई, आप आज क्या ऐप का दिवाली आ रही है, क्या विशेष करना चाहेंगे दिवाली में? देखिए अगर हम आपसे मतलब यू नो वन टू वन नहीं हो पाए तो इस ऐप के जरूर सब इस ऐप के जरिए सबको दिवाली जरूर विश कर सकते हैं। इस ऐप की एक खासियत भी यही है कि इंडिविजुअली या पर्सनल मैसेजेस भी आप भेज सकते हैं, तो बहुत सारी कमाल की चीज़ें हैं इस ऐप पे। तो दिवाली की फिलहाल तो आप मतलब मीडिया भी यहाँ मौजूद है, तो आपके जरिए ही सबको दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ। और इस साल हर त्यौहार की तरह दिवाली के भी शायद लाइट थोड़ी सी कम होंगे, लेकिन दिल में हमेशा दिया है जलाए रखिए। लेकिन दिवाली में ब्राइट है तो ब्राइटनेस आ जाएगी। हाँ, ब्राइट के साथ तो ब्राइट होना ही है दिवाली।